हेलो एवरीवन, मुनम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा विशा आप सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज भाई हम देखने वाले हैं जो इंडिया का कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर। आज वहाँ की हम विलेज लाइफ देखने वाले हैं कि वहाँ के विलेज भी कितने ज्यादा डेवलप्ड है और कितना ज्यादा वहाँ पे। आपको पता कश्मीर तो है ही जन्नत की नगरी। तो ये विंटर की वीडियो है, बड़ा मजा आएगा देखने में। प्लीज वीडियो का एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज के लिए। दोस्तों जैसा कि लगातार आप मेरी कश्मीर की यात्रा देख रहे हैं, मैं कश्मीर के जो विलेज लाइफ है उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कैसे गाँव का माहौल है, कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, बर्फबारी के अंदर किस प्रकार से यहाँ का रहन सहन है। आसपास देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ है और लगातार दोस्तों यहाँ की संस्कृति देखने को मिल रही है और कश्मीर की खूबसूरती। कहते हैं ना पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर ही है, तो यही तो हम खूबसूरती देखने के लिए आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त बीएल बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से लगातार आप कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं और पूरे भारत की यात्रा चल रही है। दोस्तों लगातार आने वाले सारे एपिसोड आप जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ये कब से ये तोड़ रहे हैं मकान, ये श्रीनगर में कितना टाइम हो गया या अभी स्टार्ट हुआ है क्या? मैं पिछली बार आया तब तो मैंने नहीं सुना, 6 महीने पहले। 10-12 दिन हो गए। अच्छा 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन तो आप जैसे जो बेगर होगा वो फिर सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाएगा करेगा, देख रहे मरना ही है। तो बोलेगा वैसे भी मरना है वैसे भी मरना है। तो यहाँ से ये सारे घर हटाएंगे और क्या, इधर आएंगे तो सारे हटाएंगे। साउथ डोजर कश्मीर के लिए लाया। यहाँ पे ये देखिए छत के ऊपर पानी है जो इस प्रकार से पिघल पिघल के नीचे टपक रहा है पूरा पूरा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये पूरा है और अंदर घर के अंदर जो है वो लोग रहते हैं वो सब बाहर गए हैं, ताले लग रहे हैं और ये आसपास टोटली इस प्रकार से देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अभी मेरे को जो भी आदमी मिल रहे हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि जो श्रीनगर के अंदर इस प्रकार से घर तोड़ रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मतलब वो गवर्नर की तरफ से है जिनके पास शायद मतलब ऐसे जैसे आपने उधर कहते हैं ना वो चारागाह की भूमि है भाई, ये फॉरेस्ट का है उस प्रकार से जैसे है, तो जो अतिक्रमण है उनको हटा रहे हैं कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी जो है वो समस्या मेरे को बताने लग रहे हैं। धीरे धीरे कह रहे हैं कि इधर नाग के अंदर, इधर ये काजी कुंड के अंदर ये भी घर जो आसपास दिख रहे हैं ये भी तोड़ेंगे। तो पता नहीं यहाँ का क्या मसला है, मेरे को अभी ज़्यादा इसके अंदर मेरे को समझ में आया नहीं कि मामला क्या है। जैसे जैसे लोगों से बातें करेंगे वैसे वैसे मालूम चलेगा। गांव वाले मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन है, क्या है, कहां से आया ऐसा। अभी वो क्या है, वो श्रीनगर में वो ऐसा मसला चल रहा है ना घर तोड़ने वाला ना, वैसा भी चल रहा है ना उस हिसाब से। तो आप यहीं पे रह रहे हो, तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पे आपने स्कूल वगैरह बनी हुई बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वगैरह सब? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नाम आपका और आपका? काफी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ जी, यहाँ तो अब कहाँ बैठेंगे बताओ आप? तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर। 12th हो गई आपकी? अच्छा। काफी मतलब आपका गांव जो है वो काफी सुंदर है, ये खूबसूरत वादियाँ वगैरह देखने में बहुत अच्छी लग रही है। आपका क्या नाम बताया? बाजला। ऐसे मैंने एक चीज और देखी है कि जैसे गांवों में आते हैं तो लड़कियां वगैरह बातचीत करने में कोई टेंशन नहीं, बात करते हैं, जैसे शहरों में बात नहीं करते, नहीं करते, लेकिन ऐसे नहीं करते, मतलब बाहर वालों से बात नहीं करते। तो आपने मेरे से बात की? नहीं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे मतलब बातचीत करते हैं तो ही मालूम चलता है कि भाई क्या है, कैसे रहते हैं, क्या माहौल है, क्या चीज है। ऐसे हाँ, तो वो आपका मतलब अलग नहीं है आपके? हाँ अच्छा अच्छा। नहीं बहुत खूबसूरत है यहाँ के आपके गांव, आपके लोग, और बहुत अच्छा लगा मिलके। आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, हमारे उधर मतलब इतनी खूबसूरती नहीं होती। बहुत प्यारे लगे आप। नहीं यहाँ के मतलब अच्छा है माहौल। और बताओ कोई टेंशन तो नहीं यहाँ पर? ये देखो ये कश्मीर की ये डोगी, बड़े बड़े बाले वाले। तो आपके मम्मी पापा वगैरह क्या काम वगैरह क्या करते हैं? वो मैसन है बस। हाँ जी, वो मैसन है। मतलब समझा नहीं, मतलब वो मकान बनाते हैं। हाँ कारीगर वगैरह।
अच्छा होता है। अच्छा हम पढ़ते। आप कितने भाई बहन हो? एक ही भाई है, हम तीन बहन हैं। अच्छा सही है, चलो ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप भी आगे जा रहे थे? तो दोस्तों हम लगातार यहाँ के गांवों को देखते जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है और अभी वेदर के अंदर तो कल भी दिखाई है हमें ना। तो ये सिस्टर हैं जो हमारे साथ इस प्रकार से अपने गांवों का माहौल बता रहे हैं, कर रहे हैं। और ये मस्जिद भी बनी हुई है, आप यहाँ पे ये देखिए, ये मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर। तो अभी अजान हो रही थी यहीं पे। और छोटू क्या नाम है आपका? क्या नाम है ये? एक छोटा सा दोस्त नन्ना मुना मिला है, नवीद ना। कौन सी क्लास पढ़ते हो? फिर के बहुत ही सुंदर सुंदर भाई लोग मिले हैं हमें। आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान आपका? फैज। और आपका? अदमान। और ये जो पहनते हैं इसको क्या बोलते हैं? फेरन। फेरन न या ल लास्ट में? फेरन। 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 न। तो ये दोस्तों जो है फेरन है, और वो कांगड़ी भी इसके अंदर ही लटकाते हैं बड़े लोग। हाँ। अभी लटकाते बच्चे लोग जब ज्यादा तेज होती है तो कांगड़ी दोस्तों इसके अंदर लगाते हैं। और काफी अब तो धीरे धीरे सर्दी कम हो जाएगी है ना। पढ़ते हो आप लोग? हाँ। कौन सी क्लास में? सारे बच्चे एट में, एट सिक्स और सेवन। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम नहीं होता? अच्छा ओनली इंग्लिश है ना, कश्मीर के अंदर ओनली इंग्लिश चलती है दोस्तों। अच्छा ये है, आपके एग्जाम वगैरह अभी आगे होंगे? लाइट चलेगी हमारी, मार्च में एग्जाम है ना। हाँ। बाकी और अपने गाँव की खूबसूरती और माहौल कैसा है? सही है, एकदम खुशनुमा शानदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ऐसे मतलब मीडिया वाले बताते आतंकवादी है वैसा, मैं तो कहीं नहीं देखा मैंने, नहीं इधर कश्मीर में, मैं तो गांव में ही घूम रहा हूँ। खबरों के लिए बोलते हैं। अच्छा वो अपनी टीआरपी के लिए। हाँ, टीआरपी। तो लगातार दोस्तों हम गांव को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है ट्रेन पटरी यहाँ से जाती है ना, वो सामने वो काजीकुंड रेलवे स्टेशन है, तो वहीं से उतर के हम इन गाँव में आए हैं इस प्रकार से। और ये यहाँ पर ओवर ब्रिज बना हुआ है ना। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दोस्त, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फेरन के अंदर ही हाथ मिला रहे हैं, देखिए ये हाथ इस प्रकार से फेरन के अंदर रखते हैं। सलाम सर जी, हाँ कैसे हो? हाँ तो लगातार मिलते जा रहे हैं। देखिए आप आसपास कितनी सारी बर्फ, और दूर दूर तक ये जो आपको बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ नजर आ रहे हैं सब पूरे है ना बर्फ से ढके हुए हैं। और ये देखिए टोटल ये बर्फ ही बर्फ, और कितनी बर्फ जमी हुई है, ये पांव पूरा देखिए इस प्रकार से ये अंदर जा रहा है। देखो ये ठीक है, बड़ी इस प्रकार से देखिए ये, और इधर भी ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। ये पुली पुली है ना? ये है भाई कश्मीर का बर्फ, शानदार भाई। ऐसा भाई चलने में जो किस्मत वाले होते हैं वही ही कश्मीर आ पाते हैं और इन इस प्रकार के नजारों का लाभ उठा पाते हैं। और एक ये इस प्रकार से देखिए टैक्सी आई है, और मैं गाँव के बहुत ही अंदरूनी भाग इनके बहुत ही लास्ट वाले हिस्से के अंदर आ गया हूँ। जैसा कि आप पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं किस प्रकार से इस गांव में एंटर हुआ था और कैसे मैं लोगों के साथ में खेलता खेलता आ गया, मतलब लोगों के साथ, मतलब कश्मीर के जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उनके साथ खेला था और अंदर आए थे। वो वीडियो नहीं देखा था आप जरूर देखना। और ये बहुत सारी बर्फ देखी आसपास टोटल, और ये है लोग यहाँ के सड़कों के ऊपर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, क्योंकि ये जो बर्फ है ये पिघल पिघल के इस प्रकार से कीचड़ का निर्माण कर रहे हैं। और आसपास ये देखिए इस प्रकार से छोटा सा नाला भी चल रहा है, जो ग्लेशियर है छोटा सा, जो बर्फ पिघल रही है वो ही पानी ऐसे आगे जा रहा है, बहुत ठंडा पानी है, टेम्परेचर बहुत हाई है। और इस प्रकार की ये कीचड़ वाली सड़कों के ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आपके पास वाटरप्रूफ शूज़ नहीं है तो आपके शूज़ पूरे गंदे हो जाएंगे और ये ठंडा ठंडा पानी जो है वो शूज़ के अंदर आ जाएगा और सॉक्स वगैरह सारे गीले हो जाएंगे, फिर आप चल भी नहीं पाओगे क्योंकि सुन हो जाएंगे अंदर से, पाँव पूरे सुन हो जाएंगे आप। और ये देखिए, क्योंकि ये देखिए बर्फ बहुत ज़्यादा है ना, ये देखिए पूरा बहुत ज़्यादा बर्फ है। और ये देखिए पूरा इधर चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये सफ़ेद चादर बिछी हुई पड़ी है पूरी टोटल। ये देखिए अभी छुट्टियाँ चल रही है क्या आपकी स्कूल की? जैसे हमारे उधर जैसे थोड़ी बहुत सर्दी बढ़ जाती है तो स्कूल की छुट्टियां कर देते हैं, इधर भी बर्फबारी ज्यादा होती है छुट्टियां करते हैं स्कूल में। हाँ। कितने दिन की लगी होती है? लगभग दिसंबर में हो जाती है छुट्टी। अच्छा जनवरी फरवरी तक, मार्च में जाना पड़ता है, 15 मार्च। अच्छा हाँ।
सही है, सही है। मतलब जब ये सर्दियों का माहौल होता है, बर्फबारी का माहौल होता है, तब आपके 2-2.5 महीने छुट्टियाँ हो जाती है, 3 महीने तक की। अच्छा अच्छा, सही है, ये एक नई बात जान के पता चले। दोस्तों अपने वहाँ पे जैसे राजस्थान हो गया, यूपी, एमपी, बिहार, मतलब उधर की साइड जैसे गर्मियाँ जब ज़्यादा हो जाती है तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, जैसे मई जून की गर्मी होती है जब राजस्थान के अंदर, तो छुट्टियाँ हो जाती है स्कूल की। वैसे यहाँ पर विंटर के अंदर छुट्टियाँ होती है 2-2.5 महीने के बच्चों की, जो बर्फबारी के समय होती है, जैसे दिसंबर जनवरी के समय, इस प्रकार से 2-2.5 महीने 3 महीने तक जैसा माहौल होता है, जैसा वेदर होता है, उस हिसाब से छुट्टियाँ बना देते हैं यहाँ पर, और बर्फबारी तेज़ होती है तो छुट्टियाँ आगे भी बढ़ा देते हैं, तो ये भी चीज़ है यहाँ पर। सलाम। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी लगातार दोस्तों ये कश्मीर की यात्रा चल रही है, आने वाले एपिसोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और भी बहुत डीपली जो गांव है वो हम यहाँ के एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, क्योंकि मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि कैसा लगा, और ये खूबसूरत वादियाँ जो है वो आप घर बैठे दोस्तों मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और इस कश्मीर सीरीज से कंप्लीट आप जुड़ जाइएगा, सारे वीडियोज आप आने वाले देखना। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जी तो गाइस, हमें कैसा कश्मीर लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा का नज़ारा, सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कश्मीर तो ब्यूटी ही अलग है वहाँ पे, और जो जैसा कि मीडिया बताती है भाई बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, जैसे हमारी मीडिया हमें तो यही बताती है भाई कश्मीरी वहाँ पे कुछ नहीं है, ये नहीं। आपने क्या देखा? हमने तो कुछ देखा, हमने तो बहुत ज्यादा हमको कुछ देखा। स्कूल हाँ। भी वो बोल रहे हैं कि जगह जगह पे बने हुए हैं हर चीज की, मस्जिद भी, अजान भी होती है। ये तो नहीं है कि भाई उन्होंने पकड़ के जो है मार पीट रहे हैं, सब लोग आजादी से घूम रहे थे, आजाद थे और खुशहाल अपनी लाइफ जी रहे थे। तो जो हालांकि ये एक विलेज की बात है, ये किसी सिटी की बात नहीं है। सिटी में अगर होता तो फिर लोग बोलते हैं हाँ वहाँ पे दिखाने के लिए शायद ऐसा करें, लेकिन ये वहाँ पे एक रैंडम ब्लॉगर गए हैं, रैंडम जाकर उन्होंने लोगों से पूछा कि आपकी लाइफ कैसी है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी चल रही है, और आपको पता हमारे यहाँ पे ना गर्मियों की छुट्टियां आती है, सर्दियों की छुट्टियां नहीं होती, गर्मियों की गर्मी बहुत पड़ती है ना, तो फिर गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है। आजकल चल रही है शायद गर्मियों की छुट्टियां ना, तो इसी अगस्त 14 अगस्त तक मुझे याद है कि होती है, और उसके बाद जो है ना स्कूल खुल जाया करते हैं। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम होता होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे हाँ, और जहाँ पे सर्दियाँ हो वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, सेम इसी तरह से सिस्टम है। लेकिन यार बड़ा अच्छा लगा कश्मीर को देखकर, ना दिल खुश हो गया। वहाँ पे जा तो नहीं सकते लेकिन वीडियो को देख के ही हम जो है ना हम लोग खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और वहाँ के लोगों की फ्रीडम सुनकर बहुत ही ज्यादा मुझे ना खुशी हुई। आपको कैसा लगा बताना, फिर मिलता है कोने दिन। थैंक।